नमस्ते शार्क, मेरा नाम है दादा साहेब भगत और मैं बीड महाराष्ट्र से आया हूँ। शार्क, मैं मानता हूँ कि लाइफ में किसी भी चीज़ को हालात के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, इसीलिए मैंने अपनी लाइफ खुद डिज़ाइन किया है। छोटे से गांव में 10th तक पढ़ाई करने के बाद मुझे फैक्ट्री में वर्कर और ऑफिस बॉय जैसे जॉब मिले, लेकिन मेरे अंदर एक चीज़ की आग थी, वो है डिज़ाइन। इसीलिए मैंने अपने बचपन में अपने गाँव के पेंटर से ड्राॅइंग और पेंटिंग सीखा और ऑफिस बॉय का जॉब करते करते मैंने डिज़ाइन सीख कर डिज़ाइनर बन गया। सर, जब मैं डिज़ाइन इंडस्ट्री में काम कर रहा था तो मैंने रियलाइज़ किया कि हम किसी भी मौके का जब इनवाइट बनाते हैं तो वो सब सेम ही लगते हैं, चाहे वो शादी का कार्ड हो या बर्थडे इन्विटेशंस हो। जब कोई डिज़ाइनर भी इसको नया क्रिएट करने जाता है तो उसको महीने का टाइम जाता है, लाखों रुपीज़ खर्च हो जाते हैं। तो यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और डिज़ाइनर की लाइफ आसान करने के लिए हम लेके आए डिज़ाइन टेम्पलेट। डिज़ाइन टेम्पलेट ऑनलाइन डिज़ाइन का मार्केट प्लेस है, जहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं प्रीमियम मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स, इलस्ट्रेशन और म्यूजिक। अगर कोई डिज़ाइनर एक डिज़ाइन करना चाहता है तो अगर उसको 10 दिन का टाइम लगता है तो वही हमारे टेम्पलेट यूज़ करके वो एक घंटे में काम खत्म कर सकता है। तो शार्क, जैसे दादा साहेब फाल्के ने इस रोमांचक भरी मूवी की दुनिया की शुरुआत की है, उसी तरह ये दादा साहेब भगत आपकी मदद से डिज़ाइन की एक नया दुनिया का शुरुआत करना चाहते हैं। शार्क, इसलिए मेरी आस्क है 1 करोड़ फॉर 2.5% इक्विटी। अरे वाह, अब टेंशन खत्म, अब हमें बोलना है। हाँ, अब हमें बोलना है। हमें डर लग रहा है आपके सामने। कुछ भी कहने से पहले आई थिंक आपकी कहानी बहुत इंस्पायरिंग है। मैंने कहीं सुना था कि लाइफ शुड बी लिव्ड बाय डिजाइन नॉट बाय डिफॉल्ट, अपनी तरीके से जिंदगी जीनी चाहिए। आपने तो डिजाइन को अपनी लाइफ बना लिया। थोड़े आप नर्वस थे, वो हो जाता है, लेकिन आपको बहुत गर्व महसूस करना चाहिए कि इतनी हम्बल बैकग्राउंड से आके आज आप शार्क टैंक के स्टेज पे खड़े हैं। आई थिंक यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ योरसेल्फ एंड इट्स वंडरफुल टू हैव यू हियर। थैंक यू मैम। तो अपना थोड़ा बताइए, आप डिजाइन इंडस्ट्री में कैसे आपने शुरुआत की, क्या क्या आप करते हैं? एक्चुअली मैं मैम अब बीड में महाराष्ट्र से हूँ, तो उस टाइम गाँव में एक पेंटर थे, तो वो स्कूल के बाजू में थे, तो मैं क्या करता था उनसे ड्रॉइंग सीखता था। तो ऐसे करते करते मेरा एक 10th कंप्लीट हो गया। उसके बाद ITI खत्म करने का ऐसा हो कि मैं पुणे में जॉब करने के लिए आया, तो मुझे एक इंडस्ट्री में वर्कर एज अ वर्कर जॉब मिला, लेकिन मुझे 4000 सैलरी थी। तब मैंने ढूंढा कि मुझे इन्फोसिस में ऑफिस बॉय बनने का 9000 मिल रहा है, तो सोचे चलो इधर कुछ कर लेते हैं। तब मैंने इन्फोसिस में देखा सर कि लोग कंप्यूटर पे बैठ के इतना पैसा कमा रहा है, इतना बड़ा इंडस्ट्री खड़ा है, लोग कार में आ रहे, तो मुझे कुछ तो करना चाहिए इसके लिए। और मैं यहाँ पे एक कॉलेज था, तो इन्फोसिस को मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे नाइट शिफ्ट चाहिए और पार्ट टाइम में डिज़ाइन सीखता था। तो वहाँ से मुझे फिर डिज़ाइन इंडस्ट्री में एंट्री हो गई। उसके बाद हैदराबाद में गया, तब मैंने देखा कि वहाँ एक बोर्ड था 1999 में आपको सी प्रोग्रामिंग सिखाया था। अच्छा। तो मैंने सोचा चलो इतने सस्ते में हो रहा है तो सीख लेते हैं। तो मैंने प्रोग्रामिंग सीखी। यस, अमेजिंग। नौजवानों को देखना चाहिए कि कॉन्स्टेंटली अपने आप को और अपने स्किल्स को अपग्रेड करना चाहिए, बहुत खूबसूरत बात है। ज्ञान का सागर हर जगह है। यस, थैंक यू। फिर सिर्फ 3 साल में मैं सर द डिजाइनर से VFX सुपरवाइजर बन गया। wow. और ट्रांसफॉर्मर रेस्क्यू बोर्ड का एनिमेशन सीरीज चल रहा था। wow. तो उसमें ऐसा था कि पूरे इंडिया के कुछ स्टूडियो को ये काम दिया हुआ था और मैं उसको लीड कर रहा था। तो इसमें ऐसा होता कि आधा काम रिपीटेबल वर्क के लिए जाता था, तो मैंने कुछ स्क्रिप्ट और प्लगइन्स बनाए ताकि जो आसानी से जो रेंडरिंग का काम था, 4 लोगों का काम सिर्फ एक ही बंदा 1 घंटे में कर सकता है। वहाँ से मेरा टेक्नोलॉजी के साथ डिज़ाइन को कैसे कंबाइन करना है वो शुरुआत हुआ। और 2018 में मुझे आइडिया कि इंडिया का कोई डिज़ाइन सॉफ्टवेयर नहीं है। इंडिया का 80% भी ज़्यादा डिज़ाइनर से बाहर के कंट्रीज पर डिपेंड है, तो इसके लिए अपना कोई सॉफ्टवेयर चाहिए। तो इसलिए हमने डू ग्राफिक्स की शुरुआत की और 2020 को इसको लॉन्च किया था। क्या करता है सॉफ्टवेयर? ये ग्राफिक डिजाइन के लिए। ये डू ग्राफिक्स का ये है। तो आपकी कंपनी का नाम डिजाइन टेम्पलेट है? यस। और डू ग्राफिक आपके प्रोडक्ट का नाम? नहीं, एक्चुअली सॉरी, थोड़ा ये बीच में आ गया। डू ग्राफिक्स का प्रॉब्लम क्या हुआ था, लॉकडाउन में मैंने ये चालू किया था। मैं जब गाँव में गया ऑफिस पूरा बंद करके, तो कई काम नहीं कर सकते थे, तो एक पहाड़ के ऊपर हमने ऐसा एक शेड बना दिया, झोपड़ी जैसा, काउ सेड जैसा, और हम लोग 24/7 वही पे काम करते थे। ये yes. है yes. हाँ, यस। और 5-6 महीने घर तक नहीं गए थे। ये तो बड़ा ऑफ साइट, लाइक ऑफ बीट सा आपका वर्क प्लेस है, बहुत ही बढ़िया। वाओ,
लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम क्या हुआ सर, हमारे जो कंप्यूटर उनके पास लाखों करोड़ पड़े हुए हैं, तो उनको कम्पीट नहीं कर पाते थे। तो हमने इसके लिए थोड़ा पिवट किया, सोचा पहले डिज़ाइन टेम्पलेट को लॉन्च करके अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट करते और फिर इसको मार्केट में अभी लॉन्च किया। हमारे पास 15,000 मोशन ग्राफिक्स के टेम्पलेट्स है, इसमें मूवी के ट्रेलर्स, वेडिंग इन्विटेशंस, एक्सप्लेनर वीडियोस, स्लाइड शो, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज है। हमारा जो मेन अभी टारगेटेड ऑडियंस है वो है यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर या डिजाइनर्स, ये स्पेशल हमारी वेडिंग कैटेगरीज है। वेरी नाइस यार, और इसको आप ऑल्टर कर सकते हैं, इसके पूरे रॉ फाइल्स आप देते हैं? यस यस, अभी इसे यहाँ से बाय कर सकते हैं वो टेबलेट, और एडोब के जो सॉफ्टवेयर है उसमें वो एडिट कर सकते हैं। अच्छा, गॉट इट, समझ गया। और इसके बाद हमारा खुद का भी यहाँ एडिटर आ जाएगा, वो वहाँ से भी यूजर उसको बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस क्या लिखा हुआ है वहाँ पे? ये अभी डॉलर में है क्योंकि हमारा मार्केट है इंटरनेशनली ज्यादा चलते हैं। तो कितना डॉलर लिखा है वहाँ? ये $6 है और ये $25 है। फर्क क्या है $6 और $25 में? $6 में हम अकेला यूज कर सकते हैं, अगर मल्टी लाइसेंस लेते हैं तो ज्यादा क्लाइंट्स के लिए यूज करते हैं। अच्छा, एक बार लेना है, एक सिंगल यूज और मल्टीपल यूज? मल्टीपल। इसमें से हम लोगों ने सिर्फ 10% टेम्पलेट किसी और प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने सेल करने के लिए डाले। और वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है? इन्वेटो, जो हमारा एक्चुअल कॉम्पिटिटर होने वाला है। अभी फुल टाइम टीम मेंबर्स हैं आपके पास? यस। कितने लोग हैं कंपनी? 15 लोग। आपका रेवेन्यू कितना है इस साल का अभी तक, पिछले साल का कितना था? अभी लास्ट मंथ का हमारा 16 लाख का रेवेन्यू है, और लास्ट ईयर का हमारा जो था 1,60,00,000 का था, उसके पहले 92 लाख का था, उसके पहले 32 लाख का था। और इस साल प्रोजेक्टेड कितना? हाँ, कितना करेंगे इस साल? 3 से 4 करोड़ तक करने वाले। इस साल अभी तक कितना रेवेन्यू है? अभी तक हमारा अप्रैल में जून जुलाई 1 करोड़ हो चुका है। और पैसे कितने बना रहे हो? इसमें हमारा टीम का खर्चा जो आता है ना वो सिर्फ 4 लाख है अभी। हाँ। तो बाकी पूरा प्रॉफिट है, लेकिन हम लोग पूरा री इन्वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, बट टोटल खर्चा कितना है? पिछले महीने कितना सेल था मुझे बताओ? पिछले महीने 16 लाख का। 16 लाख में से सैलरी कितनी गई? 4 लाख। 4 लाख सैलरी गई। हाँ। तो विच इज 25%। और 12 लाख बच गए। एक्चुअली इसमें क्या है कि जो 50% अभी जो हम लोग दूसरे के ऊपर ये कर रहे हैं, मार्केट प्लेस से जा रहे हैं, तो उनका 50% उनका ही कमीशन। अच्छा ठीक है, तो अभी मैं समझ गया, आपका दूसरा मार्केट प्लेस है जिसमें आपके टेम्पलेट यूज करते हैं, तो आप उसको कमीशन देते? कमीशन दे। तो कितनी कमीशन गई? 50% उनका कमीशन। 50% नहीं, आप एब्सोल्यूट अमाउंट बताओ। 16 लाख का 8 लाख गया। 8 लाख गया, 8 यहाँ गया, 4 सैलरी पे गया, तो 12 गया, तो 4 लाख बचा अभी। तो 2 लाख हम लोगों ने टेक्नोलॉजी के ऊपर डेवलप किया, और 2 लाख हम लोगों ने इंसेंटिव दिया टीम को जो हमें स्पीड अप करना था। जो तो टीम पे ही खर्चा हुआ है ना, 4 का 6 हुआ। यस। आपका खर्चा कैसे चलता है जी? इसी से मैं सैलरी लेता हूँ। अच्छा, आपका सैलरी से? यस। कितना सैलरी लेते हैं? मैं 60,000 लेता हूँ। और 1 करोड़ रुपए क्यों चाहिए? उसके 60% मार्केटिंग के लिए जाएगा। मार्केटिंग तो चाहिए नहीं, आपका कंटेंट है ना, मार्केटिंग कंटेंट। नहीं नहीं, मार्केट प्लेस तो मार्केट करना पड़ेगा, उसको वेबसाइट पर प्रमोट करनी है। 40% टेक्नोलॉजी के लिए जाएगा। 40% टेक्नोलॉजी, 60% मार्केटिंग। यस। पर देखिए, आप 100 करोड़ तक इसको मार्केट प्लेस पे ही क्यों नहीं ग्रो करना चाहते? अपना ट्रैफिक में इन्वेस्टमेंट करना, ट्रस्ट जनरेट करना तो बहुत महंगा काम है। ये डिजिटल प्रोडक्ट है, इसमें क्या है कि मेनली डिस्ट्रीब्यूशन आप कितने लेवल पे करते हो, कितने लोगों को, ज्यादा लोगों के बेचते हो उतना पैसा आता है। पर ज्यादा लोगों को तो मार्केट प्लेस से पहुंचेगा ना। तो जो विनीता कह रही है वो 60 लाख खर्च करने की जगह अभी आपका एक मॉडल चल रहा है मार्केट प्लेसेस पे बेच के, आपका जो कोर यूएसपी है वो डिजाइन है। वो डिजाइन आपके अच्छे हैं, देखा भी हमने अच्छे हैं, तो उसी में बेच के और उसमें कमीशन आई एम प्रीटी श्योर स्लैब वाइज होगा। अगर आप ज्यादा बेचेंगे तो कमीशन इतना नहीं लगेगा, 50%। तो पहले उसी बिजनेस को लेके 40-50 करोड़ क्यों ना करा जाए? क्योंकि इतना पैसा अगर ये नहीं चला वेबसाइट तो सारा पैसा खर्च जाएगा। राइट टू विन वो है आज की तारीख में। 60 लाख रुपए में मार्केटिंग कुछ भी नहीं मिलेगा ना। और देखिए भगत जी, आपको कोई नहीं कह रहा कि आप अपनी वेबसाइट ना चलाएं। राइट। यस। लोग बस ये कह रहे हैं कि जो चल रहा है उसको बंद क्यों कर रहे हो? अभी हम लोग डायरेक्टली बंद नहीं कर रहे, लेकिन वहाँ पे क्या है कि एक लिमिट है, मतलब उनका भी कस्टमर बेस है इतना ही है। तो आप शटरस्टॉक पे भी बेचो, इमेजेस बाजार पे बेचो, दुनिया में इतने सारे कंस्ट्रेन कर रहे हैं, आप सिर्फ 10% दे रहे हैं, आप उनको 100% क्यों नहीं दे रहे? आज भी अगर हम लोग बनाना चाहें ना तो रेवेन्यू 1 करोड़ तक भी लेके जा सकते, लेकिन हम जो प्रोडक्ट बनाना चाहते वो फिर किल हो जाएगा, लॉन्ग टर्म नहीं बना पाएंगे। तो इसके लिए हम क्योंकि अगर आप अपने डिजाइन वहां रख देंगे तो फिर कोई आपकी साइट पे नहीं आएगा, नहीं आएगा, वो कॉम्पिटिटर बन जाएगा।
आपका फाइनल व्यू है कि आप एनबीटो में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना चाहते आगे चल के? आगे चल के जब इसका रेवेन्यू बढ़ जाएगा तब उसको बंद करेंगे, उसको तब बंद तक नहीं बंद करेंगे। ठीक है, 3 साल का आपका क्या व्यू है, 27 तक कितना बड़ा बिजनेस बनाएंगे आप? सर हम लोग 100 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं ईयरली। मुझे आप एक चीज बताइए, जो आप डिजाइन बनाते हैं उसमें आपका कुछ USP है? जैसे आप अगर बनाओगे तो आपको लगेगा 15 दिन का टाइम और कॉस्ट जाएगा आपका 50,000 से 1,00,000 तक, लेकिन मेरा कॉस्ट है 2,000। मेरा 50,000 लगेगा, आपका 2,000 लगेगा, तो आप मेरे से ज्यादा स्मार्ट हुए या मैं बेवकूफ हुआ? नहीं सॉरी, मतलब ये नहीं कहना था, मतलब कोई स्टूडियो अगर बनाता है, मतलब सॉरी आपको, मतलब आप नहीं, 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 वो आपका एडवांटेज है बिकॉज़ आप एक लो कॉस्ट ऑपरेशन चला रहे हैं। यस, और मैंने टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन किया है, वही मैं पूछ रहा हूँ, वो जो टेक इंटीग्रेशन की आप बात करें, तो मेरा 50,000 लगेगा, आपका 2,000 लगेगा, वो क्यों लगेगा? जैसे अभी नया AI आ गया, तो AI में जैसे रेंडर के लिए टेक्चर तैयार होते हैं, कुछ इमेजेस तैयार होती है, तो हमने जो हमारे करंट सॉफ्टवेयर है लाइक 3D के सॉफ्टवेयर है लाइक एडोब के सॉफ्टवेयर, उनके साथ उनको मर्ज करते हैं जो स्पीड अप प्रोसेस हो जाए। वो तो मैं भी AI से बना सकता हूँ, अभी मेरे को अगर लिखना है कि शार्क टैंक इंडिया का सेट बनाए AI, yes. तो वो बना के दे देगा ना मेरे को? यस, ये इमेज बन जाएगी, लेकिन उसको जो वीडियो में कन्वर्ट करना है वो भी धीरे धीरे प्रोग्रेसिव जनरेटिव AI प्रोग्रेसिव करके मोशन ग्राफिक्स में भी आ रहा है। आपने कोई ऐसा अभी टेक्नोलॉजी नहीं बनाया है जिससे आपका टेम्पलेट क्रिएशन औरों से सस्ता हो सकता है? अभी टेम्पलेट क्रिएशन में हमारा टेक्नोलॉजी बना है जो हम लोग बहुत स्पीड अप से काम कर सकते हैं, जो IT क्रिएशन में। आप यहाँ टेक्नोलॉजी देखता कौन है? टेक्नोलॉजी है, मैं अभी इतना सब कुछ नहीं कर सकता, मैंने और भी CTO के लिए 2-4 लोगों के साथ बात कर रहा हूँ जिनका बहुत सारा US में या बड़े बड़े कंपनीज में एक्सपीरियंस है, मैं उनको भी ऑनबोर्ड करना चाहता हूँ कि वो टेक्नोलॉजी मेरा संभाले। सोचते कैसे हो यार ये सब, इतना दिमाग कहाँ से लाते हो, कितना सॉलिड सोचा है, कहाँ से ऑफिस बॉय से स्टार्ट किया था, क्या क्या विजन है भाई? सुना, प्रैक्टिकल काम करते करते जो अभी प्रॉब्लम आ रहा है उसको सॉल्व करते करते। और जब स्टार्ट करी थी पिच तो आप हड़कड़ा रहे थे, बात नहीं हो रही थी, और अब आपके पास सारे क्वेश्चन के सारे आंसर और दबंग तरह से जवाब दे रहे हैं। दादा साहब जी, लॉन्ग टर्म के लिए आपकी सोच अच्छी है, पर इसमें जो चैलेंज आज जो एज एन इन्वेस्टर हमें आ रहा है, आपकी जो स्किल सेट और राइट टू विन है वो है विद इन डिजाइन प्रोडक्शन। अब जो लगेगी स्किल सेट टू विन वो होगी इन परफॉर्मेंस मार्केटिंग। एज एन इन्वेस्टर आज मुझे वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना कि आप ये वाला पार्ट कर पाएंगे या नहीं, ये समझ नहीं आ रहा है। तो एज ऑफ नाउ ये मुझे इतना इन्वेस्टेबल नहीं लग रहा है, प्लस इस एरिया में मेरी इतनी इंस्टिंक्ट नहीं है कि कैसा कंपेटिटिव लैंडस्केप है, तो आज मैं इससे बाहर रहना चाहूंगी। बट बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू इंद्रजीत। देखिए मुझे थोड़ा सा फंडामेंटल डिफरेंस है आपके अप्रोच से, मुझे लगता है आपके बड़े सपने हैं पर वो सपने स्टेप बाय स्टेप साकार करने चाहिए। yes. तो मैं आपको एक ऑफर देता हूँ, ठीक है, बट कंडीशनल ऑफर है। मैं नहीं चाहता ये 1 करोड़ रुपए मार्केटिंग में लगे। yes. मैं चाहता हूँ ये आप इन्वेस्ट करें अपनी टीम में, टेक्नोलॉजी में, कि आप ये जो सुंदर टेम्पलेट्स बना रहे हैं उसमें AI यूज करके ये सस्ती बनाए टेम्पलेट्स और, okay, और बढ़िया बनाए, और इनको हम बेचें, अगर हमारी वेबसाइट पे बिकेगी तो हमारी डिजाइन कैपेबिलिटी से बिकेगी, नॉट बिकॉज ऑफ मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं बट नॉट अ लॉट ऑफ पेड मार्केटिंग। मैं आपका 1 करोड़ रुपए दूंगा, 10% इक्विटी लूंगा, प्लस मैं आपसे रॉयल्टी लूंगा 2% ऑफ रेवेन्यू जब तक मेरे को 2 करोड़ वापस ना मिले। आपके बिजनेस में आज जो सिचुएशन है वहां पे एक फंडामेंटल मुझे लगता है कि 6-9 महीने का डिफरेंस है। यस, वो इस चीज में है कि आपका जो B2B बिजनेस है, जैसे कि हमारे बाकी शार्क्स ने बताया, हम लोग भी हमारे होटल्स जो है ओयो के दूसरे प्लेटफॉर्म से भी बेचते हैं, आपने देखा होगा। यस, पर ऐसा नहीं कि दूसरों को उससे वंचित रखते हैं। करेक्ट, और उसमें कोई गलती नहीं है, पर क्योंकि आज वो एक नया बिजनेस है एक तरीके से। अरे B2B बिजनेस आज आपका है, आप जो बनाना चाह रहे हो B2C नवा बिजनेस है, तो उस कारण से मुझे लगता है 6-9 महीने का उसमें डेल्टा है, उसके कारण मैं आउट होना चाहूँगा। थैंक यू सर, बेस्ट विशेस। मैंने बड़े शहरों में लोगों का इतना विजन नहीं देखा। थैंक यू, इनक्रेडिबल। आई एम एक्चुअली गेटिंग इमोशनल अबाउट दिस एंड यू डिजर्व अ क्लैप। थैंक यू, जस्ट आई एम गेटिंग इमोशनल, इट्स अमेजिंग। थैंक यू। दूसरा, अगर ये एक डिजाइन बिजनेस होता, जो कि मुझे लगता है आपकी कोर काबिलियत है, तो मैं अभी का अभी चेक लिख देती, बट मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मुझे पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखना है, और आप डिस्ट्रीब्यूशन में जाना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की मेरे पास हिस्ट्री नहीं है और मैं यहाँ स्ट्रगल कर रही हूँ, सो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। थैंक यू रवि, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। दादा साहब जी, मैं आपको ऑफर देता हूँ, या आपका ऑफर बेटर करवाऊंगा, ठीक है? मुझे नहीं लगता आपको रॉयल्टी देनी चाहिए किसी को।
आपको मैं सेम ऑफर देता हूँ 1 करोड़ 10%, बट आप रॉयल्टी नहीं लेंगे। आपको रॉयल्टी नहीं देनी चाहिए, मेरा ये अपना पर्सनल बिलीफ। नहीं, मेरा ऐसा बिलीफ नहीं होता। मेरा बिलीफ है कि अगर कोई आपको जेन्युइनली 1 करोड़ रुपए देगा तो उसको रिकवरी लेने के लिए रॉयल्टी की जरूरत है। तो मेरा ऑफर सेम ही है, आप चूज करिए। अमन जी, आपका ऑफर मुझे बहुत ही मतलब अप्रिशिएट करता हूँ। इसमें हम लोग एक काउंटर ऑफर ये कर सकते हैं। नहीं मिलेगा इससे बेटर आपको बाहर। बहुत अच्छा। एक्चुअली आप दीजिए, आप दीजिए। नहीं, उनको दे, इनको देने का राइट है। 5% फॉर 1 करोड़ 5% आपका काउंटर। 1 करोड़ 20 करोड़ वैल्यूएशन। दादा साहब जी, मैं ये इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि आपको जो आगे राउंड होंगे ना उसकी अभी प्रेडिक्शन करना बहुत टफ है। yes, yes, अभी चैलेंजेस yes, हैं थोड़े से। 10 करोड़ इज नॉट अ बैड वैल्यूएशन। मैं आपको लूट भी नहीं। 100% इट्स अ फैंटास्टिक वैल्यूएशन। सर डील पक्की। सर आप बोलते हो कि आप इस इंडस्ट्री के गुंडा हो, मैं मानता नहीं। आप मुझे लगता है बाजीगर हो, आपने इंडस्ट्री जीती हुई है। थैंक यू। चलिए कांग्रेचुलेशन। वेल डन एंड वेल डिजर्व। सो प्राउड। थैंक यू। बहुत-बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। चलिए बेस्ट ऑफ लक।